देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर सन 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस विशेष है, क्योंकि हम पूरी दुनिया इस समय लड़ रही है कोविड-19 के प्रकोप से। और इसमें जो बात प्रूफ हुई है कि जिसके इम्यूनिटी सिस्टम जिसका मजबूत रहेगा, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक रहेगी, वही इसमें इससे पार पा सकता है। इसलिए इस बार का विश्व पर्यावरण दिवस नगर निगम रुड़की ने पूरी तरह से जीवन रक्षक औषधियों को, रोग प्रतिरोधक औषधियों को समर्पित किया है। और नगर निगम परिसर के अंदर ही इस प्रांगण में आप देखें कि यहाँ पर हमने आज एक हर्बल गार्डन का इनॉग्रेशन है, आज उसका लोकार्पण है। और इसमें जितने भी वृक्ष आप देख रहे हैं पीछे, सबके नाम लिखे हुए हैं आगे, सारी औषधीय पौधे हैं। कड़ी पत्ता है, मुसब्बा वेरा है, पुदीना है, अश्वगंधा है, लिवेंडर है, नींबू घास है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन रक्षक औषधियों के रूप में काम आती हैं और आयुर्वेद में काम आती हैं। तो इनकी वृक्षारोपण करने का उद्देश्य है, इनका पौधारोपण करने का उद्देश्य है कि लोग अब इनकी महत्ता को समझें और इनको आगे बढ़ाएँ। सर, ये जो पार्क है ये पब्लिकली ओपन भी हो सकता है या नहीं? हाँ देखिए, ये दर्शनार्थ के लिए तो रहेगा, दर्शनीय तो रहेगा, लोग भी आ सकते हैं इसमें। इसकी समय वगैरह हम बाद में निर्धारित करेंगे क्या टाइमिंग रहेगी, लेकिन देख रेख में रहेगा। पूरी तरह से ओपन करने में तो आप समझते हैं कि इनका सुरक्षा भी आवश्यक है पौधों। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क, मैं हूं आपके साथ अक्षत गोयल। सबसे पहले तो मैं अपने रुड़की वासियों को, भारत वासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, अपने न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसके बाद एक बहुत बड़ी खुशखबरी, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा नगर निगम है, नगर निगम का जो कार्यालय है, कार्यालय में एक हर्बल पार्क आज यहाँ पर बनाया गया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर यहाँ पर आज इसका उद्घाटन भी है। और जो यहाँ पर पार्क बनाया गया है, इसका हर्बल पार्क जो यहाँ पे नाम रखा गया है, इसमें तरह तरह के यहाँ पर हर्बल पौधे लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एलोवेरा का पेड़ है, मिंट है, लेमन ग्रास है, और कोरिएंडर है, यहाँ पर अश्वगंधा है, लेवेंडर है, और काफ़ी सारे यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हैं। पेड़ों का पर्यावरण के लिए कितना महत्व है, इसकी जानकारी सबको मिले। और आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन के समय लोगों के ध्यान में आया किन किन चीज़ों से इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। तो यहाँ जितने भी पौधे लगे हैं वो उस दृष्टि से एक अच्छा मार्गदर्शन है सबके लिए कि ऐसे पौधे हमारे घरों में, गमलों में हो सकते हैं और होने चाहिए, जिससे समय समय पर इस सब चीज़ का उपयोग हो सके। कई अनेक औषधि युक्त पौधे हैं सब यहाँ पर, उन औषधियों के भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे मैंने देखा अभी आते समय एलोवेरा है वहाँ पर, ऐसे बाकी भी औषधियों के पेड़ हैं सब, जिन औषधियों के कारण से हमारे स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, ये हर घर में होने चाहिए। ये एक प्रकार से उन सबके लिए गाइडलाइन है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने नगर निगम परिसर के अंदर, एक परिसर ऐसा था जो लंबी लंबी झाड़ियाँ यहाँ पर सांप बिच्छू थे, और पिछले एक सप्ताह रात दिन लग के इसको विकसित किया हर्बल पार्क के रूप में। औषधि के बहुत सारे पेड़ लगाए गए, लगभग 100 से अधिक पेड़ यहाँ पर लगाए गए, जिनको पूर्णतः देखरेख में रखा जाएगा। आप देख सकते हैं इस छोटी सी बगिया में हमने प्रयास किया कि सुंदर बनाने के लिए, पर्यावरण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और अब प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण से नज़दीक जाना ही पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं हम सब लोग देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति अपना अपने आप को बैलेंस कर रही है। हम सब लोगों का प्रयास होना चाहिए हम किस तरह वृक्षों को देखभाल कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं और अपना एनवायरनमेंट क्लियर रख सकते हैं। उस निमित्त ये करा गया नगर निगम द्वारा छोटा सा प्रयास। आज सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की सबको शुभकामनाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के दिन नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल जी, हमारे MNA नूपुर जी और SNA चंद्रकांत भट्ट जी के द्वारा रुड़की में एक हर्बल पार्क, जो अभी जो एपिडेमिक हमारे चला कोविड-19, उसको देखते हुए ये महसूस किया गया कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारा आयुर्वेद है, उन सबको हमें उपयोग जीवन शैली में उनका उपयोग लाना चाहिए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर नगर निगम ने ही 100 पौधे आज यहाँ पर वृक्षारोपित किए। आदरणीय बेरी जी हमारे बीच में यहाँ पर रहे, उनका हमको आशीर्वाद यहाँ पर मिला, और हमारे सुभाष वर्मा जी रहे। तो उसका लगाने का संकल्प ये था कि ये जो यहाँ पर पौधे लगाए हैं ये हमारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। जब ये बड़े होंगे तो शहर की जनता इनसे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनका लाभ ले सकेगी। ये अन्य जगह भी लगा सकेंगे, तो यहाँ से आकर एक हम लोग यहाँ पर नर्सरी भी बना सकते हैं, उसका भी लोग लाभ ले सकते हैं। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पर लगाए यहाँ पर एलोवेरा है, जैसे अश्वगंधा है, और अन्य जो भी जड़ी बूटियाँ हैं जिससे हमारे इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो सकता है और उससे मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारी औषधीय गुण वाले पौधे हैं जिनको यहाँ पर लगाया गया। आज यहाँ पे एक हर्बल पार्क का इनोग्रेशन किया गया है और यहाँ सब औषधि वाले सब प्लांट्स लगाए गए हैं। अभी कुछ दिन, 5 दिन पहले यहाँ पे बहुत घना जंगल था जिस तरह से, तो यहीं के पेड़ों को हमने काट कर और ये इस तरह से इसको यूज़ किया है।
मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। एक ख़राब पेड़ को भी हम किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। हमारी संस्था ने इसमें बहुत काम किया है और MNA मैडम के गाइडेंस में भी हुआ है काम। तो आप सभी लोगों ने देखा यहाँ पर कौन कौन मौजूद था। यहाँ पर सुभाष जी थे, यहाँ पर सुनील जी थे, हमारे SNA MNA, यहाँ पर राजेश शाह सर भी यहाँ पर उपस्थित थे। किस तरह से उन लोगों ने यहाँ पर तरह तरह के पौधारोपण किया है और क्या क्या संदेश दिए हैं वो भी आपने सुना है। किस तरह से उन्होंने जो हमें रुड़की वासी हैं उनको जागरूक किया है पेड़ लगाने के लिए। और एक उन्होंने एक्शन और लिया है कि आप अपने जन्मदिन पर केक ना काट कर एक पौधा लगाइए, वो भी आपका एक लाइफ का पार्ट है। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर। कैमरामैन शिवम के साथ संवाददाता अक्षत गोयल।